हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं और इसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज ये लास्ट टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.11। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर हम ये चाइना डिश है, इसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, ये हाँ ये कॉपर है, उसमें हमने 1 ग्राम कॉपर लिया और इसको नीचे बर्नर लगा रखा है, इसको हीट किया। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर जो है ये एयर में बर्न करेंगे इसको, तो ये कॉपर जो है एयर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। और शुरुआत में कॉपर था कैसे, ये था रेडिश ब्राउन कलर का, ये फिर कलर चेंज हो जाता है इसका, रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो जाता है ये। तो यहाँ पे वही लिखा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो सरफेस था ना कॉपर पाउडर का, जो सरफेस था कॉपर पाउडर का, ये ब्लैक हो जाता है कॉपर ऑक्साइड की वजह से। व्हाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये काला सब्सटेंस बना क्यों, ये इसलिए बना क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऐड हो गई कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बन गया, राइट। ये जो ऑक्सीजन है ये कॉपर में ऐड हुई जब हमने इसको बर्न किया, और ये कॉपर ऑक्साइड बना, और ये कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन पास कर देंगे तब जो है हमको वापस कॉपर मिल जाएगा। कैसे, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने हाइड्रोजन पास करेंगे तो कॉपर दोबारा बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, है ना। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। तब क्या, अगर हम इसमें से हाइड्रोजन पास करा देंगे तब ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है ये दोबारा रेडिश ब्राउन कॉपर में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कॉपर में दोबारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न भी लिखा है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, नहीं अभी ये नहीं पढ़ा ना, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, अगर हम सी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास करेंगे तब जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगी एज अ रिवर्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन होगी, है ना। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन करता है तो उस रिएक्शन, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी भी रिएक्शन में एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया भैया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में हम ये भी कहते हैं या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो दोनों ही केसेस हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। और एक टर्म आती है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन क्या होता है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो इन्हें, इन दोनों केसेस में हम कहते हैं रिडक्शन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि अगर
ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हुआ है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करता है रिएक्शन के टाइम पे, तब उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया वो। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है रिएक्शन के टाइम पे, उसे हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कॉपर ऑक्साइड इज लूसिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूस। तो इस रिएक्शन में हम देख क्या रहे थे, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया और वो कॉपर बन गया। तो एक कैसी रिएक्शन हुई, यू आर रिडक्शन। मैंने कैसे कह दिया रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा है एडिशन ऑफ, किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बींग ऑक्सीडाइज इन अदर वर्ड्स। और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड से जो है कॉपर बना, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम कहते हैं क्या, रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। और हाइड्रोजन से वाटर बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना, यहाँ पे सब दिखा भी रखा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है, वाटर जो है ऑक्सीडाइज होके, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होके वाटर बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में कहें तो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, हाँ एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं ऐसी रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है। अच्छा आप ही मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़िए, इफ़ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये हुई रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आती है, मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ पे HCl से बना क्लोरीन। यहाँ पे क्या हुआ, HCl से क्या बना, क्लोरीन बना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैसे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन हो गया। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ऑक्सीडेशन में मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में मैंने क्या कहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो बस यही आपको इसमें याद रखना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी रिएक्शन में का स्टेटमेंट दे रखा है कि कार्बन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है ना, तो ये क्या हुआ, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या हुआ, रिडक्शन। वही दे रखा है यहाँ पे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक इज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, है ना। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और जिंक ऑक्साइड जो है रिड्यूस होके जिंक बन गया। और दूसरा क्या हुआ था, HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 बन गया, जबकि MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बन गया, है ना, ये हम ऊपर बता चुके हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से डैट अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन और लूज करता है हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर वो ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है तब उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज। इफ़ अ सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को लूज करता है और गेन करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस। और रिडक्शन के लिए क्या कहा मैंने, क्या लूज़ करे, ऑक्सीजन को, और क्या गेन करे, हाइड्रोजन को, तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है और रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, पुरानी वाली एक्टिविटी को याद करिए जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या था, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, एक डैजलिंग फ्लेम निकली थी, एक चौंधिया देने वाली एक लाइट निकलती है जब उसको हम बर्न करते हैं एयर में मैग्नीशियम रिबन को, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट सब्सटेंस। और फिर जो मैग्नीशियम रिबन है एक वाइट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और उसी वाइट सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताना है वहाँ जो रिएक्शन हुई थी, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, आप ही मेरे को बताना, मैं आपको रिएक्शन लिख के देता हूँ। वहाँ रिएक्शन हुई थी मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर, है ना, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आप ही मुझे बताइए, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या ये हम सभी ने ऑब्जर्व किया रखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होता रहता है, वो हम बस ये कि हम फील नहीं कर पाते, कैसे, सबसे पहला आता है कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन यू, हम सभी को पता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई नए नए सामान लेकर आते हैं लोहे का, तो शुरुआत में तो काफ़ी शाइनी रहता है और नया रहता है, बट कुछ समय के बाद उसमें एक रेडिश ब्राउन पाउडर जो है, रेडिश ब्राउन पाउडर की ऊपर की कोटिंग आ जाती है कुछ समय के बाद, जिसको हम कहते हैं ना आयरन में जंग लग गया है, रस्टिंग, है ना, जंग लगने को कहते हैं आयरन को, रस्टिंग हो गई। ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, और भी कई सारे मेटल खराब हो जाते हैं इसी तरह से। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर एंड कॉपर, अच्छा तुमने नोटिस किया है कि जो मेटल्स होते हैं तो इन पे कैसी कोटिंग होती है कॉपर और सिल्वर की, जब कॉपर नया नया होता है तो कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, और सिल्वर होता है ग्रे कलर का, और जब ये ख़राब हो जाता है ना तो कॉपर तो हो जाता है ग्रीन कलर का ख़राब होने के बाद, और चांदी हो जाती है काली, चांदी हो जाती है ब्लैक कलर की। तो ये लिखा है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब क्या है,
जब भी मेटल जो है, कोई भी मेटल जो है अपने आस पड़ोस जो भी उसके आसपास जो मॉइस्चर प्रेजेंट हैं या फिर जो एसिड वगैरह प्रेजेंट हैं, एसिड प्रेजेंट है या मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो सब जो है उसको उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और मेटल को कर देते हैं ख़राब। मेटल को ख़राब कर देते हैं मतलब मेटल को कोरोड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये मैंने बताया था कोरोजन हो जाता है तो सिल्वर जो है कैसा हो जाता है, सिल्वर हो जाता है आपका ब्लैक कलर का और जो कॉपर है वो हो जाता है आपका ग्रीन कलर का, राइट। आगे देखते हैं, कोरोजन सिर्फ ये नहीं कि कॉपर में होता है, आयरन में होता है, सिल्वर में ही होता है, और भी कई जगह होता है। जैसे कि हमारी जो आपने कई बार देखा होगा जो गाड़ियाँ जो है पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, आयरन रेलिंग भी ख़राब हो जाती है, शिप्स वगैरह बेकार हो जाते हैं पड़े पड़े। ये जितनी भी चीज़ें मेटल से बनती हैं ना वो सब ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली जो आयरन की होती हैं, क्योंकि इन सब में कोरोजन हो जाता है। जो कोरोजन जो है एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। हर साल हमारी गवर्नमेंट काफ़ी पैसा लगाती है आयरन को रिप्लेस करवाने में, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, ब्रिजेस हो, ताकि वो ख़राब ना हो, राइट। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम कोरोजन और अच्छे से पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट। तो आगे पढ़ते हैं, आगे लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भैया? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेंसिडिटी का मतलब यह है बासी, कोई चीज़ बासी हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो कैसी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं रेंसिड साइंटिफिक टर्म में। तुमने कभी कोई बासी चीज़ खाई हो, जैसे कोई भी फैट की हो या ऑयल की, हम चिप्स लेकर आते हैं, राइट। हम एक चिप्स का पैकेट लेकर आए, मान लिए लेस का लेकर आए, हमने खाया और बीच में हमारा मन नहीं किया तो हमने उसका बीच में खुला छोड़ दिया, हाँ। और हम उसको अगले दिन जब खाते हैं तो देखते हैं तो सब फीका फीका सा आ रहा है ना, वो पहले वाला मज़ा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, लेस जो है कैसे हो गए हैं, लेस हो गए हैं रेंसिड, ख़राब हो चुके हैं, बासी हो चुके हैं, तो वही कह रहे हैं। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, और उनके जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। यूजुअली ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है खाने में डाले होते हैं, आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। और ये जो फैट्स और ऑयल्स वगैरह जो हैं, फैट्स ऑयल वाले सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं ताकि जो फूड है ख़राब ना हो। इसलिए जो भी पैकेट वाले फूड आते हैं उसमें हवा भरी होती है और वो नाइट्रोजन भरी होती है उसके अंदर, जितने भी चिप्स हो गए आपका, कुरकुरे हो गए, और भी जो सब है जो भी आप खाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम यदि हम खाने को एक किसी टाइट जार में रखेंगे, एक एयर टाइट जार में जिसमें हवा नहीं जा सकती, तो उससे भी ऑक्सीडेशन जो है स्लो होता है, फिर चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एस नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। और जितने भी ये चिप्स कुरकुरे वाली कंपनियां वगैरह हैं, ये जो है हवा भरती हैं किसकी, नाइट्रोजन गैस की, अपने पैकेटों में, ताकि हमारे जो उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। Do you know that the chips manufacturers usually flush bags of chips with the gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, ताकि जो chips हैं ख़राब ना हों। तो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है 3, ये भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? अगर आपने मेरे
पुराने लेक्चर देखें तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या कह रहा है, जब भी हम एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तब जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का चेंज क्यों होता है, क्यों? आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो खुद आ जाएगा और क्या बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को भगा देगा। ओके स्टूडेंट, बस यही हो रहा है। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट में आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज द आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिसप्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन इन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये भी उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, एक रिएक्शन बताई थी नहीं मैंने आपको कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स क्या देता है, ये बना लेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसा होगा, ये बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, ये नीचे बैठ जाएगा, है ना, इनसॉल्यूबल होता है, प्लस क्या बनाएगा और सोडियम क्लोराइड, राइट, यहाँ पे 2 आ जाएगा बैलेंस। ये हो गया एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस डेट आर रिड्यूस, बताना इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, आप ही बताइए। सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बने रहा है तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सभी को दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और H2O से बन रहा है, हाइड्रोजन से बन रहा है वाटर, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बस ख़त्म। और ये रिएक्शन कैसा है, ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन है, बहुत आसान है ना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके, मैं सोच रहा हूँ पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करा ही दूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम जब भी अपने नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।